हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्राइव एक्सपो। तो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ महिंद्रा XUV 3XO का AX5 वेरिएंट, पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में है ये, जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है ये वही वेरिएंट है आपका। तो और वाइट कलर में है, इससे पहले मैंने आपको इसके और भी कलर्स दिखा दिए थे 2 महीने पहले। आज की वीडियो में आपको वाइट कलर दिखाएंगे AX5 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन का। तो फटाफट पहले रेयर से स्टार्ट करते हैं, पूरी बाहर से गाड़ी को कवर करेंगे फिर इंटीरियर पर चलते हैं। तो रेयर से बात करें, रेयर में आपको मिल जाता है, ऊपर से स्टार्ट करें तो आपको स्पॉइलर AX5 वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका ब्रेक लैंप, रेयर वाइपर एंड डिफॉगर भी कंपनी आपको इसमें ऑफर कर देती है। LED कनेक्टिंग टेल लैंप्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। 3XO की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, और वेरिएंट अगर आपको पता लगाना हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो, AX5 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन, ठीक है जी। तो ये आपका वेरिएंट का यहाँ पे हो गया। बाकी आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बटन भी मिल जाता है जिससे आप इसका बूट को एक्सेस कर पाओगे। पार्सल ड्राइव आपको इसमें नहीं मिलती है, बूट स्पेस थोड़ा डीप है, बाकी ठीक है। और नीचे आपको मिल जाता है इसमें इसका स्पेयर टायर, और बाकी टूल किट आपको इसमें मिली जाती है। स्पेयर टायर आपको इसमें डोनट वाला मिलता है, कंप्लीट साइज़ नहीं मिलता। एकदम कैसे टायर साइज़ है वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में, एक गाड़ी में लगा हुआ है यहाँ। बाकी टूल किट आपको यहीं पे मिल जाती है स्पेयर टायर के लिए। पावर सीटर आपको नहीं मिलेगी, 60-40 स्प्लिट्स में आपको इसी सीट्स भी मिल जाएंगी। सारे के सारे हेडरेस्ट आपको इसमें एडजस्टेबल मिल जाते हैं। बाकी अंदर की बात अंदर जाके ही करेंगे दोबारा। टेल लैंप्स मैंने आपको बता दिए, दो नीचे आपको डमी रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाती है इसकी रियर लाइसेंस प्लेट की प्लेसमेंट, नीचे मिल जाती है आपको इसमें इसकी रेयर सिल्वर स्किड प्लेट, अब आए इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। तो रूफ पे आपको मिल जाता है इसमें, रूफ पे आपको इसमें रूफ रेल्स मिल जाती हैं पियानो ब्लैक फिनिश में, और ये आपको पियानो ब्लैक कलर में मिलेंगे। विंडो क्रोम बेल्ट लाइन आपको इसमें नहीं मिलती है। चारों डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर्ड मिलेंगे। ड्राइवर साइड आपको क्लियर सेंट्रिक ऑप्शन मिल जाएगा, पूरी आपको ब्लैक लाइटिंग्स मिल जाती हैं बॉडी पे अच्छे खासे साइज़ में। और अलॉय व्हील्स भी आपको इस वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाते हैं। अलॉय व्हील्स का साइज़ बताऊं तो अभी C8 के टायर आने शुरू हो गए, पहले MRF के आ रहे थे। और टायर साइज़ की बात करें तो टायर साइज़ है 205/65/16, और चारों की चारों आपको इसमें डिस्क ब्रेक्स ऑफर हो जाती हैं। और इसमें आपको रूफ पे सनरूफ भी मिल जाता है। तो साइड प्रोफाइल की तो कंप्लीट बात हो गई है, बाकी राइट साइड भी आपको दिखा देते हैं एक बार। तो जैसे ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट बटन मिल जाता है, वॉल्यूम्स मैंने आपको बता ही दिए। फ्रंट में आपको मिल जाते हैं इसके हेडलैम्प्स, जो आपको सिंगल प्रोजेक्टर मिलता है, नीचे फॉग लैम्प की जगह जो X7 और X7L में आता है इसमें आपको नहीं मिलेगा। बाकी ये वाइट कलर है, और यहाँ पे आपको DRW मिल जाते हैं, LED प्रोजेक्टर भी मिल जाते हैं। सेंटर के अलावा पूरे पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाती है। नीचे आपको यहाँ पे फ्रंट लाइसेंस प्लेट की प्लेसमेंट भी मिल जाती है। फ्रेंड्स, आपको गाड़ी दिखा देता हूँ एक बार पूरी सेंटर से, तो पीछे से तरीके की आपको लुक मिल जाती है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर में आपको दिखाते हैं गाड़ी आपको क्या क्या ऑफर करती है। तो ये इसका ड्राइवर साइड डोर है जिस पर आपको पूरी पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। सारे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पावर विंडोज और RVMs की। यहाँ पे आपको सिल्वर डोर हैंडल मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक यहाँ से हो जाती है गाड़ी, बाकी यहाँ से भी आप करी पाओगे। और यहाँ पे आपको मिल जाती है टूटर रिप्लेसमेंट, स्पीकर रिप्लेसमेंट आपको यहाँ मिलती है। नीचे बोटल लोडर, थोड़ी सामान रखने की जगह मिल जाती है। ये ड्राइवर साइड डोर को आप ऐसे देख सकते हो, ड्यूल टोन आपको इसमें पूरा इंटीरियर मिल ही जाता है, और पियानो ब्लैक इंसर्ट्स भी आपको इसी वेरिएंट से मिलने शुरू होते हैं। तो ये इसका स्टीयरिंग व्हील है जिसमें आपको सेंटर पूरा पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। यहाँ पे आपको पूरे कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपके म्यूजिक सिस्टम के, वहाँ पे आपको पूरे इसके इंस्ट्रूमेंट लिस्ट जो आपको डिजिटल स्पीडोमीटर इसमें आपको मिल जाता है उसके, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ आपको इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट नेविगेशन काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं जो मैंने पुरानी वीडियो में भी कवर किया, आपको अगर देखना था उसमें जाके देख सकते हो। बाकी हो गया इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये हो गया इसका स्टीयरिंग व्हील पूरा। 6 एयरबैग इसमें कंपनी ऑफर करी देती है, 2 B पिलर्स में, 2 सीट्स में आपके फ्रंट की और 2 आपके फ्रंट में। तो ये हो गई यहाँ से बात, अभी इसे करते हैं बंद। ये है इसका म्यूजिक सिस्टम जो आपको टॉप एंड वाला वेरिएंट वाला मिल जाता है। इसके अंदर आपका जो इंटरफेस है वो आपको XUV 700 वाला है, जो इन्होंने थार रॉक्स में भी ऑफर कर दिया है। धूप ज़्यादा हो रही है। बाकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले इसमें आपको मिल ही जाता है। यहाँ पे आपको इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे 2 AC वेंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे सिल्वर फिनिश के साथ। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसमें, यहाँ पे आपको ये बताएगा, ये बटन नहीं है आपको पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने का, उसका बटन आपको उस बटन यहाँ पे मिल जाता है ये ऑन ऑफ करने के लिए। बाकी ऑन ही रहने दो तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा इसके ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टीयरिंग मोड के, स्टीयरिंग व्हील के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एयर कंडीशनर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे आपको पूरे AC कंट्रोल्स हैं, मोर ऑटोमेटिक AC, ड्यूल जोन AC, आपको इसमें सब कुछ मिल जाता है। ड्यूल आप यहाँ से ऑन कर ही पाओगे। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसमें एक आपका USB पोर्ट, नीचे आपको वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है जिस पर आपको महिंद्रा की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसमें इसका मैनुअल गियर नॉब, लेदर राइड है,
पूरा सेंटर कंसोल आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। अभी कंपनी ने पूरा लेमिनेट करके दिया हुआ है, जब डिलीवरी हो जाएगी कस्टमर इसे उतार सकता है। वो भाई सब चाबी बहुत गर्म है। बाकी ये आपकी चाबी, ये इसकी चाबी है, टिपिकल भाई महिंद्रा वाली है। बाकी ये इसका हैंड रेस्ट है जिसके अंदर आपको थोड़ी सामान रखने की जगह मिल जाती है। यहाँ पे आप इसमें चाबी रख सकते हो। ये हो गया इसका हैंड रेस्ट जो सॉफ्ट टच के साथ है, लेदर राइट है। सीट्स इसकी फैब्रिक है ऐसी कुछ ब्लैक कलर की, आपको फैब्रिक सीट इसमें आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसमें इसका ग्लव बॉक्स, काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स आपको महिंद्रा ऑफर करती है। महिंद्रा और टाटा सबसे बड़े ग्लव बॉक्स ऑफर करते हैं। यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। यहाँ क्या कर रही है, ये हो गए इसके एसी वेंट्स सारे। और ड्राइवर के राइट साइड में आपको इसके लाइट्स कंट्रोल मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको इसमें ऑफर होते हैं। यहाँ पे आपको इसके वाइपर्स के मिल जाते हैं, आगे और पीछे के वाइपर्स कंट्रोल, ठीक है जी। और वाइपर्स आपको इसमें ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। इनर ओपनर आपको इसमें मैनुअल मिलता है। रूफ पे आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर, यहाँ पे आपको लैंप्स मिल जाते हैं हैलोजन, वहाँ पे आपको ऊपर माइक मिल जाता है। यहाँ पे आपको वेंट मिरर पैसेंजर साइड मिल जाएगा विद लैंप, ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलेगा। और ये पे आपको मिल जाता है इसमें इसका सनरूफ, ठीक है जी। तो फ्रंट से गाड़ी कवर हो चुकी है काफ़ी। आप चलते हैं रेयर सीट्स की तरफ, रेयर से आपको गाड़ी दिखाते हैं। और सर ये आपको दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके का है, बाहर से आप गाड़ी देख सको। यहाँ पे आपको इसकी मिल जाती है फ्यूल लिड, रेयर से आपको इसका डोर कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। रेयर सीट्स भी आप देख सको, ये इसका हैंड रेस्ट है रेयर। बाकी दोनों सीट से पीछे आपको मैगजीन होल्डर भी मिल जाते हैं। रेयर एसी वेंट्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं, थोड़ी सामान रखने की जगह। टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट, नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी आपको इसमें मिल जाता है। रेयर का हम्प बहुत मिनिमम है इसमें। बाकी हैंड रेस्ट में आपको बताया कि 5 हैंड रेस्ट में आपको एडजस्टेबल मिल ही जाते हैं। रेयर से आप इसके डैशबोर्ड की लुक देख ही सकते हो। बाकी AX5 सबसे बेस्ट वेरियंट लगता है, इसमें आपको जरूरत से ज़्यादा ही चीज़ें मिल जाती हैं और पैसे भी एकदम जायज़ हैं। 12,05,000 की ऑन रोड पड़ जाती है फरीदाबाद में। हर स्टेट में डिफर करेगा, 12,05,000 में, इसलिए बोल रहा हूँ। कभी कभी थोड़ा इंश्योरेंस के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं उस वजह से। बाकी यही थी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसे लगी आप जरूर कमेंट से बता सकते हो, और ये वेरियंट आपको कैसा लगा वो भी बता सकते हो, और किस वेरियंट की आपको वीडियो चाहिए आप वो भी मेरे से कमेंट्स में मेरे से ज़रूर बताना। बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।